नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपको टुडेज के हमारे इस न्यूज़ कार्यक्रम में। आज 11 दिसंबर है और पांच राज्यों के चुनावों के परिणाम भी आ गए हैं। अभी डिक्लेयर होने बाकी है, पहले दूसरे रुझान आ गए हैं। लेकिन आज हम चुनाव रिजल्ट की नहीं, आज हम अटल जी की भतीजी करुणा शुक्ला के बारे में बात करने जा रहे हैं। आखिर कौन है करुणा शुक्ला जिन्होंने रमन सिंह को उनके ही गढ़ में हराया है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नतीजों में भाजपा कांग्रेस के हाथों मात खाती दिख रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस भाजपा से काफ़ी आगे चल रही है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी अपनी राजनंदगांव सीट से पीछे चल रहे थे। उन्हें इस सीट से जो उम्मीदवार टक्कर दे रही थी वो कोई और नहीं बल्कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला है, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। 32 साल बाद भाजपा छोड़ करके ज्वाइन किया था उन्होंने कांग्रेस को। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में रमन सिंह ही हारते नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में उन्हें कांग्रेस से मात मिल रही थी। कांग्रेस से जो चेहरा सीएम को हरा रहा है वो करुणा शुक्ला थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला इस विधानसभा चुनाव में रमन सिंह को मात देती दिखी। करुणा शुक्ला कभी भाजपा की सदस्य हुआ करती थी, लेकिन 2013 में उन्होंने भाजपा के साथ अपना 32 साल पुराना रिश्ता तोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया था। भाजपा से रह चुकी हैं सांसद और विधायक करुणा शुक्ला। बीजेपी के टिकट पर कोरबा से सांसद भी रह चुकी हैं, जबकि बलौदा बाजार से विधायक रही हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बीच 27 फरवरी 2014 को शुक्ला कांग्रेस में शामिल हो गई थी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए थे कि पार्टी अपनी विचारधारा से अलग हट गई है और अब सत्ता की पकड़ में है, रमन सिंह को दे रही है कड़ी टक्कर। 2014 आम सभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के लखन लाल साहू के हाथों उन्होंने बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने उन्हें रमन सिंह के अगेंस्ट उतारा है और रुझानों पर जाएं तो कांग्रेस का ये कदम सफल साबित हो गया है। सुबह 11 बजे तक रुझानों के अनुसार करुणा शुक्ला रमन सिंह को पीछे छोड़ चुकी है। यह थी करुणा शुक्ला से जुड़ा एक बेहद ही खास अपडेट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम ऐसे ही कुछ और दिलचस्प खबर लेकर के आएंगे फिर से। Thank you so much. Keep watching Today's for more news.